हमारे जो प्रभारी है उन्होंने ये प्रक्रिया जो शुरू की है उसके लिए इन लोगों को यहाँ पर भेजा है, इनको जिम्मेवारी दी है पार्टी की तरफ से कि आप जाकर वहाँ की स्थिति को जानें, वहाँ के सीनियर लोगों से बातचीत करें, उनकी मीटिंग में आप शामिल हों और क्या फीडबैक आपको मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने जो संगठन बनाना है उसमें किन किन लोगों को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे, किन को हमने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी देनी है, किन को ब्लॉक में लगाना है, किन को जनरल सेक्रेटरी लगाना है, किन को सेक्रेटरीज लगाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभारी ने इनको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भेजा है। और आज हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये इलाके में जाएंगे और जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी होगी, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे चंबा है, चाहे सरमौर है, शिमला है, सभी जगह ये दौरा करेंगे, सीनियर लोगों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे कि लोगों का क्या मानना है, कि कौन वो लोग हैं सक्रिय तौर से जो पार्टी का काम करते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी काम किया है, और कौन ऐसे लोग हैं जो संगठन में केवल मात्र पद लेकर बैठे हैं पर इलेक्शन के वक्त में सक्रिय नहीं रहे, इस बात की ये लोग छानबीन करेंगे और वही रिपोर्ट फिर हम हाईकमांड को देंगे और हाईकमांड फिर हमारे से बैठकर चर्चा करेगी, फिर हम अगली प्रक्रिया है उस पर हमने अगला स्टेप क्या उठाना है, इस के लिए इनको यहाँ पर भेजा गया है। क्या इसमें ये भी डिस्कशन होगा जो पार्टी और गवर्नमेंट के लिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रही है? हाँ, ये भी एक बहुत अहम रोल है जो अभी इनको ये भी जिम्मेवारी दी गई है कि आप ये देखें सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कुछ कमी रह गई है उसको भी हमने पूरा करना है, और एक तालमेल संगठन और सरकार के बीच में बनाने की आवश्यकता है जिसमें कुछ संगठन के लोग भी हों और वो उनको जिम्मेवारी दी जाए ताकि वो भी संगठन में भी काम करे और सरकार के माध्यम से जो हमारे काम हो रहे हैं उसका प्रचार भी जाकर लोगों के बीच में करें। कि जो संगठन के लोग हैं उनकी ताजपोश होनी चाहिए, केवल 3 साल अब बचे हैं, तो क्या ये भी मुद्दा उठाया जाएगा कि जो काफी समय से खाली चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि हमारे पार्टी के जो वर्कर है वो नजरअंदाज हो, उनकी नियुक्ति भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, चाहे बोर्ड में हो, चाहे कॉरपोरेशन में हो, कहीं चाहे चेयरमैन बनने की बात हो, वो हमारे जो सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये अहदे मिलने चाहिए। उसके लिए भी मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज भी जो ये प्रभारी आए हैं ये भी इस बात पर सोच करेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि कौन इस पद पर बैठने के लिए एक हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, उन पदों को उसके मुताबिक फिर भरा जाएगा। मैम, जैसा आप कह रही हैं ये जो बैठक है अहम है क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है, रिसेंटली जो महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं उसके मद्देनजर कितना जरूरी है पार्टी को देश में अलग अलग कोनों में मजबूत करना? ये तो आप सही है कि पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग यहाँ भी काम करेंगे, आपने पिछले विधानसभा में भी देखा कि पिछले विधानसभा में भी हमारे पार्टी के लोगों ने, वर्करों ने बहुत कमर तोड़कर मेहनत की है और पार्टी को दोबारा सत्ता में लाया है। उसी तरह से हमारे चाहे निगम बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ भी शिमला का नगर निगम जो उसका इलेक्शन हुए उसमें भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और हमने सभी जगह सफलता प्राप्त की है। तो मेरे को लगता है कि इसी तरह से हमारे पार्टी में भी एक जोश भरने की आवश्यकता है, उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम सब मिल बैठकर काम करें और अगला चुनाव जो जिसका हम सामना करेंगे उसके लिए हम मजबूत हों। मैम, पहली बार हुआ है कि सेंटर ने एक डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट ये इसलिए है कि हमारी जो बजाय एक आदमी, सपोजिंग अब मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, आप मुझे कहें कि जी आपको एक बना दो, अब एक पद के लिए कम से कम 10-20 लोग उम्मीदवार होंगे, अब किसको चयनित करना है, किसको हमने आगे लाना है, उसके बारे में डिटेल में जाकर लोगों से भी चर्चा हो, लोगों का फीडबैक भी लिया जाए और लोग हमको असली पिक्चर दिखाएं कि नहीं जी ये नहीं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये भी इस काम को करेंगे। और जो छंट कर ठीक नाम आएगा, जो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेगा, रात दिन समय भी देगा और पार्टी के लिए काम भी करेगा,
उन व्यक्तियों को आगे लाकर हम पार्टी को मजबूत करने की बात करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कर्नाटक के जो होम मिनिस्टर हैं जी परमेश्वरा, उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जब शंका हो जाती है किसी चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अगर शंका होती है, तो क्यों ना एक बार भारत में जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव किए जाने चाहिए। आप इससे वाकफियत रखती है? देखिए ये बात हमने पिछले AICC में भी उठी थी, और जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमको शक है कि कहीं ना कहीं EVM से भी छेड़छाड़ होती है, पर आई डोंट थिंक कि इसमें वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, और इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अब हम चाहें कि बैलेट से वोट हो तो हमारे चाहने से नहीं होगा ना, दैट दे हैव टू सी ओवरऑल। कोई शिकायत आई, कोई ऐसे मजबूत ठोस बातें उनके सामने आई हैं, तब वो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बट ऐसे ही बोलना कि नहीं इसको हटा दो और बैलेट से दोबारा करो, तो इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल मैटर, इट इज़ अ बिग डिसीजन विच द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक। जो सह प्रभारी आए उन्होंने कहा कि युवा चेहरों को, तो क्या अभी संगठन में जो युवा चेहरे हैं उनको भी मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब एक जनरेशन जाती है तो नई पीढ़ी आती है, अब नए लोगों को हमें आगे लाना है। ठीक है, टिकट के टाइम भी बहुत से आवेदन पत्र आए थे, कईयों को हम एडजस्ट कर पाए, कईयों को नहीं कर पाए, पर अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब संगठन में भी हम उनको आगे लाएंगे, जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, काम करना चाहते हैं, उनको हम पद भी देंगे और ऐसा उनको कार्यभार भी देंगे जिसका वो रिजल्ट शो करें। तो युवाओं को आगे लाना भी हमारा कर्तव्य है, उसी तरह से महिलाओं को मान सम्मान देना, महिलाओं के लिए भी काम करना और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं का प्रतिनिधित्व देना भी हमारा कर्तव्य बनता है, इसके लिए भी हम काम करेंगे। चुनाव कार्यक्रम है 11 तारीख को, 2 साल का जश्न मना रहे हैं, उसकी कैसी तैयारियां हैं? और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कुछ देर पहले बयान आया है कि किस बात का जश्न मनाया जा रहा है, जो गारंटियां दी थी वो जमीन स्तर पर उतरी नहीं है, केवल सुर्खियों में है और जमीन स्तर पर नहीं है गारंटियां, ये कह रहे हैं। देखिए जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा ने तो क्रिटिसाइज ही करना है, दे विल नॉट अप्रिशिएट कि सरकार ने कुछ काम किया है, सरकार ने जो प्रोमिसज़ किए हैं उनको फुलफ़िल किया है, काफ़ी काम हुए हैं। ये बात ठीक है, हमारे सामने बहुत सी त्रासदी भी आई, बहुत से डिज़ास्टर भी हुए, उसका भी हमें सामना करना पड़ा और उसमें भी जूझना पड़ा, जिसकी वजह से हम थोड़ा डिले अवश्य हुए, पर कहीं ना कहीं हमने जो जो वायदे लोगों से किए हैं, अब भाजपा का नाम काम तो क्रिटिसाइज़ करना है, वो तो बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पर आप जानते हैं चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, वो भी सरकार ने लागू की, उसके बाद हमने महिलाओं को जो धनराशि देने की बात कही थी वो तुरंत हो जाती अगर बीच में डिज़ास्टर ना आता। डिज़ास्टर भी जब आया तो हमें उम्मीद थी कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे, हमें लगता था कि मोदी जी मदद करेंगे, पर हमें कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प सेंटर से नहीं आई उस डिज़ास्टर के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने 4,500 धनराशि देकर उस वक्त डिज़ास्टर से जो लोग जूझ रहे थे, जिनके मकान चले गए, जिनके घर के सदस्य चले गए, उनकी मदद उस वक्त की, तो उस वजह से कुछ डिले भी हुआ वो प्रोसेस और हम तुरंत उसको लागू नहीं कर पाए। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए और उन्होंने वहाँ पर इसकी शुरुआत की, महिलाओं को धनराशि दी। अभी पीछे डोडरा क्वार भी गए थे मुख्यमंत्री, डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक रोड का बहुत इंटीरियर एरिया है, वहाँ भी महिलाओं को वो धनराशि दी। ऐसी बात नहीं है, हम कर रहे हैं। एवरीबडी नोज कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर स्टेट के सामने होती है, अब कैसे आपने इस काम को करना है, जो एक होता है कि तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर सके, पर कई बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बाधाएं भी सामने आती है, तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो काम भी किया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने जो जो कहा, जैसे दूध के रेट बढ़ाने की बात थी और भी जो हमने प्रोमिसज किए हैं उस पर भी सरकार ने कदम उठाए हैं और सरकार ने उस पर पहल लिए। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री रामपुर गए थे, एक दत्तनगर में उन्होंने एक मिल्क प्लांट का शुभारंभ किया है, शायद उसमें भी उन्होंने दूध के रेट बढ़ाने की बात कही है, उसमें भी काम चल रहा है, वो भी काम हो रहा है, तो सरकार की तरफ से जो जो काम सरकार ने प्रॉमिस किए हैं उस पर उन्होंने कदम उठाए। मुझे अभी इसकी इतनी ज्यादा जानकारी है, आई एम नॉट गॉट द टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, सो आई रियली कांट से कि कैसा जश्न होगा और
कहाँ मनाया जाए और कैसा है। अगर मुझे होता तो मैं आपको अवश्य उसके बारे में प्रियंका गांधी की जीत हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर हमको मिला है। ठीक है, हमने कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र में हमारी पार्टी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, पर जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वो जब एक जनरल सेक्रेटरी थी तब भी उन्होंने पार्टी के लिए बहुत समय दिया, बहुत काम किया, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश की वासी हैं, वहाँ यहाँ उनका घर भी है, आती हैं। इलेक्शन के वक्त में भी उन्होंने हर क्षेत्र में का दौरा किया, चाहे वो चंबा हो, चाहे भरमौर हो, चाहे सोलन हो, चाहे सरमौर हो, हर एक जगह जाकर उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए अपना टाइम भी दिया, वक्त भी दिया और काम भी किया है और लोगों को संदेश भी दिया है। उनका बहुत अहम रोल रहा। हमें खुशी है कि अब उन्हें एक बहुत अच्छा ओहदा मिल गया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई है वायनाड से, और वो पार्टी की मजबूती के लिए बढ़ चढ़ के काम करेगी और जो वहाँ के लोगों की आवाज़ उन्होंने संसद में रखनी है उसका भी उनको मौका मिला है, तो उसके लिए हम सभी प्रफुल्लित है, सभी खुशी है। पार्टी के वर्कर्सों को भी उनको आगे आके अब दोनों, चाहे वो राहुल जी भी हैं और प्रियंका जी भी है, दोनों मिलकर देश के हित के लिए और पार्टी के हित के लिए काम करेंगे।